समुद्री घास से आयोडीन की प्राप्ति। 12 क्लास में किस बार केमिस्ट्री में आने वाला यह क्वेश्चन, जिन लोगों का 24 में पेपर है वो लोग तो इस क्वेश्चन बैंक में इस क्वेश्चन को देख लिए होंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्री घास से आयोडीन की प्राप्ति, ठीक है। अगर आपको जो है केमिस्ट्री इस बार का पेपर देना है सन 2024 में बिहार बोर्ड का, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना होगा। समुद्री घास से आयोडीन की प्राप्ति कैसे होती है, ठीक है। क्वेश्चन रहता है कि आयोडीन के कुछ स्रोत के नाम बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें रहता है आयोडीन के स्रोत, तो आयोडीन के कुछ स्रोत होते हैं। इसमें आता है एक आता है समुद्री घास, एक आता है समुद्री घास, ठीक है। समुद्री घास हो गया, एक हो गया समुद्री घास, दूसरा होता है चीनी साल्ट पीटर, चीनी साल्ट पीटर जिसको हम लोग कैलिस कहते हैं, कैलिस कहते हैं। और तीसरा स्रोत जो होता है वो ब्राइन होता है, ब्राइन कौन सा, प्राकृतिक ब्राइन, प्राकृतिक ब्राइन। समुद्री घास के जो है अलावा चीनी साल्ट पीटर यानी कैलिस और प्राकृतिक ब्राइन से भी जो है आयोडीन की प्राप्ति होती है, ठीक है। चीनी साल्ट पीटर का ही दूसरा नाम है। आयोडीन के प्रमुख स्रोतों में आते हैं समुद्री घास, चीनी साल्ट पीटर जिसको NaNO3 कहा जाता है, प्राकृतिक ब्राइन। प्राकृतिक ब्राइन जो होता है वह NaCl+H2O का जो है मिश्रण होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक ब्राइन हो गया, कैलिस हो गया और समुद्री घास, ये आयोडीन के प्रमुख स्रोत है। इन आयोडीन के प्रमुख स्रोतों में समुद्री घास, चीनी साल्ट पीटर और प्राकृतिक जो ब्राइन है, ठीक है। इन तीनों प्राकृतिक स्रोतों में हमें आयोडीन की प्राप्ति करना है समुद्री घास से। पहले एक क्वेश्चन का तो आंसर हो गया कि आयोडीन के प्रमुख स्रोत क्या है, समुद्री घास हो गया, चीनी साल्ट पीटर हो गया, प्राकृतिक ब्राइन हो गया, आयोडीन के प्रमुख स्रोत हो गया। अब पहले का जो स्रोत है, ठीक है, उससे आयोडीन की प्राप्ति कैसी होगी। तो समुद्र में एक विशेष प्रकार का जो है घास पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लेमिनेरिया। समुद्री में इसी प्रकार का जो एक घास पाया जाता है, ठीक है। यह घास जो होता है लेमिनेरिया प्रजाति का एक घास होता है, ठीक है। समुद्र में जो ये बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, आज जो है इसकी खेती भी की जाती है। तो समुद्री घास में समुद्र में एक विशेष प्रकार का घास होता है जिसका नाम है लेमिनेरिया, ठीक है। इस लेमिनेरिया घास को सबसे पहले जो है समुद्र से निकाला जाता है। इसकी पत्तियां जो है समुद्र में से ही फैली होती है, अगर बाहर आप देखेंगे तो ये पूरा समुद्र में जनबा इस प्रकार का फैला होता है। तो समुद्री घास जो है लेमिनेरिया, इसका नाम क्या है, लेमिनेरिया। इस समुद्री घास को पहले जौनवा समुद्र से बाहर निकाला जाता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि समुद्री घास से आयोडीन को कैसे निकाला जाता है। तो पहले समुद्री घास में एक प्रजाति होती है लेमिनेरिया प्रजाति, उस घास को पहले बाहर निकाला जाता है। जैसा बता रहा हूँ वैसे ही पेपर में आपको लिखना है, लेमिनेरिया प्रजाति का एक घास होता है, उस घास को पहले समुद्र से बाहर निकाला जाता है, फिर उसे जो है धूप में जो है सुखाया जाता है। और धूप में सुखाने के बाद उसे जमीन के अंदर एक गड्ढा खोन करके जलाया जाता है। एक पहले गड्ढा खोना जाएगा काफी लंबा चौड़ा, और उसके अंदर जो है उसको जलाया जाएगा। सूखने के बाद जो है इस प्रकार का वो दिखेगा, ठीक है। अब जो है सूखने के बाद जो अनबा इसको एक गड्ढा के अंदर नीचे जलाएंगे। नीचे जलने का मतलब ये होगा कि ये हल्का, काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, हवा के साथ ये उड़ भी सकता है, इसीलिए इसको जो है जमीन के अंदर गड्ढे के अंदर जलाया जाता है। और जलने के बाद जो है, जब जलेगा तो जलने के बाद एक सावधानी रखना है आपको, इसको कम टेम्परेचर पर जो है जलाना है। इस प्रकार से जैसे हम लोग कहते हैं ना कि झोंकार दिले हो कोनो चीज़ के,
तो उसी प्रकार से इसको जनबा एकदम कम टेम्परेचर के ऊपर जलाना है ताकि इसमें का आयोडीन नष्ट नहीं हो, ना तो आयोडीन तुरंत नष्ट हो जाता है। पत्तियों को ऐसे ज़्यादा सुखा दीजिएगा ना तो बिल्कुल जनबा उसमें का हरापन खत्म हो गया, आयोडीन समझ लीजिए कि खत्म हो गया, क्लोरोफिल खत्म, आयोडीन खत्म। तो उसको जो है थोड़ा कम टेम्परेचर पर जलाना है ताकि उसमें का आयोडीन नष्ट न हो। जलने के बाद उसका एक राख बनेगा, ये समझ गए कम ताप पर क्यों जलाना है। जलने के बाद उसका एक राख प्राप्त होगा, उस राख को हम लोग कहते हैं केल्प। उस समुद्री घास लेमिनेरिया को जब आप जलाएंगे तो एक घास प्राप्त, सॉरी एक राख प्राप्त होगी, उस राख का नाम है केल्प। इसको जब जलाएंगे ना तो आपको प्राप्त होगा केल्प। उसी केल्प के अंदर अब वो जो राख होगा केल्प, उसके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटियाँ होगी, बहुत सारी अशुद्धियाँ होगी। उसके बाद उसको पानी में डालेंगे और जितने अघुलनशील अशुद्धियाँ है, अघुलनशील उसको अशुद्धियों को छान करके वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। जो आपका राख बनेगा गड्ढे के अंदर जो जलाने पर लेमिनेरिया घास को जो है जलाने पर जो राख बनेगा उस घास का नाम क्या है, केल्प। उस केल्प को जो राख बना उस केल्प को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पानी के अंदर डालेंगे। कुछ अशुद्धियाँ होगी जो पानी के अंदर नहीं घुलेगी उसको छान करके हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब ये जो केल्प होगा इसका जो सोलूशन बनेगा, ठीक है, उस सोलूशन को हम करेंगे क्या कि उसको एक रिटॉर्ट के अंदर जो है हम लेकर के उसका नाम रहेगा मदर लिक्वर, मात्र द्रव। उस मात्र द्रव को हम क्या करेंगे, एक रिटॉर्ट के अंदर रख करके गर्म करेंगे। किसके साथ गर्म करेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड और H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। यहाँ क्या होगा, आंशिक रवाकरण होगा, ठीक है, आंशिक रवाकरण कराएंगे। किसके साथ, मैग्नीज डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसका आंशिक रवाकरण कराया जाता है। तो इसमें कुछ बेसिक अभिक्रिया होगी। राख को हमने जो है पानी में डाला, मदर लिक्वर बना, उसमें जो भी इम्प्यूरिटी थी उसको बाहर निकाल दिया। अब मैग्नीज डाइऑक्साइड और H2SO4 के साथ इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो अब गर्म करने पर कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। अब जो भी रिएक्शन होगा आपको यहाँ दिखेगा। जो हमारा मदर लिक्वर है उस मदर लिक्वर में जो है हमारा है सोडियम आयोडाइड, और इस सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया जो है हम करा रहे हैं किससे, सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया करा रहे हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड और H2SO4 से। तो जब सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड और H2SO4 से कराएंगे तो सोडियम बाइसल्फेट बनेगा, सोडियम NaHSO4 बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट बनेगा, दूसरा मैग्नीज सल्फेट बनेगा, जल बनेगा, और उसके साथ जो है आयोडीन का स्टीम बनेगा, वाष्प बनेगा, ठीक है। उस आयोडीन के वाष्प को हम क्या करेंगे, वह आयोडीन जो होगा वह पूरी तरह जो है प्योर नहीं रहेगा। उसको प्योर करने के लिए दो रिएक्शन हमें और कराने होंगे, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे और या फिर ब्रोमीन से कराएंगे तो हमें प्योर आयोडीन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार समुद्री घास से जो है आपको ये बस इतना दो रिएक्शन, आपको बस ये वाला अगर रिएक्शन पेपर में लिख दे तो काफ़ी है। सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड और H2SO4 से कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीज सल्फेट बनेगा, H2O बनेगा और आयोडीन बनेगा। इसको प्योर करने के लिए हमें जो है इसकी अभिक्रिया जो है क्लोरीन और ब्रोमीन से करा देंगे, ठीक है। कंप्लीट हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन आपका, वर्ड थोड़ा और बढ़िया से बना लेंगे।